दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीर सिंह उस्ताद मैकेनिक। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि जैसा कि हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है, कार स्कूटी बाइक कोई भी गाड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो उसकी जो लाइट है हेडलाइट वो पीली पड़ जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पीली पड़ रही है, ये पीली पड़ जाती है तो इसको साफ़ कैसे करें? ये होता क्या है, जैसे पुरानी हो जाती है उसको कोई डस्ट होती है या धूप के कारण वो उसका जो ग्लास होता है वो कलर फेड टाइप हो जाता है, उसमें गंदी टाइप लगने लगती है, पीली पीली लगने लगती है। तो उसको कैसे हम वाइट करनी है, कैसे शार्प करनी है और वो भी फ्री बिना कोई पैसे लगाए हुए, तो यही इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करना है। आपका एक लाइक मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लाइट है, पीली लाइट हो रही है। ये गाड़ी एविएटर गाड़ी है, एविएटर गाड़ी है, इसकी लाइट ये पीली हो रही है। काफ़ी पुरानी गाड़ी है, 12-13 साल पुरानी गाड़ी है, तो नेचुरल सी बात है कि ये कितने दिन में लाइट पीली हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा इसको पानी से गीला कर लेंगे। इसको हाथ से पानी लगा के ऐसे गीला कर लेंगे। ये गीला कर लिया, और उसके बाद में ये लेंगे कोलगेट। ये देखो बेकार कोलगेट है, ये मैंने फाड़ भी लिया, बीच में काट लिया, यानी कि जो बिल्कुल ही बेकार था, इसमें थोड़ा बहुत जो लगा रह जाता साइड में वो कोलगेट है। इसको कोलगेट ले लेंगे ब्रश में, और ब्रश भी वही वाला लेना है जो हम जिससे हम दांत साफ करते हैं। तो इसको करना क्या है, आपने बहुत हल्के हल्के हाथ से ये पूरे में इसको लगा लेना है। वैसे खाली कोलगेट से साफ नहीं होगी, इसमें एक चीज़ और भी लगानी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा वीडियो में ही आपको। इसको धीरे 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 पूरी लाइट्स पे इसको लगा लेना है, और ध्यान रहे कि ये गीला ही रहना चाहिए, ये सूखना नहीं चाहिए। और उसको लगा के थोड़ा और लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसमें उसी से खाली जो बेकार है उसी से इस लाइट को साफ कर दूंगा। और इसको थोड़ा जब सूख जाए तो हल्का हल्का पानी लगा के इसी तरह ब्रश से कम 4-5 मिनट तक इसी तरह करना है, राउंड घुमाना है। थोड़ा पानी और लगा लेंगे, इसको मेरे को करते हुए लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं, और हल्के हल्के हाथ से करना है, हल्का सा दबाव देना, ज़्यादा रगड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा। और जब आपको 3-4 मिनट अगर ऐसे करते हो जाएं तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा और क्या करना है आपको। अब आपको लेनी है डिटर्जेंट टिकिया, कोई सी भी हो आप, ये जैसे हमारे पास घड़ी की है, आप रिन ले सकते हो, पेना ले सकते हो, टाइड ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो। उसको हल्का सा लेके और फिर पूरी ये जितना हमने ये लगाया है इस पर पूरा मारना, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी थोड़ी देर 1 मिनट के आसपास रगड़ना है। अब इतने रगड़ने के बाद में इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना, ऐसे ही सूखने देना, इसको सूखने देना है जब तक 2-3 मिनट में सूख जाएगा, और फिर बताते हैं क्या करना है। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम पहले इसको कपड़े से आराम आराम के साथ धीरे धीरे साफ कर देंगे। थोड़ा थोड़ा गीला था, उसके बाद में चलेंगे हम, लेंगे वाइट साफ कपड़ा बिल्कुल, और उसके बाद इस तरह हम जूते को पॉलिश करते हैं, वो इस तरह से इसको साफ करना है।
वो इसलिए करना है कि हमने जो लगाया इस पर कोलिगेटर साबुन वो अच्छी तरह से छूट जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले बिल्कुल पीला था और ये बिल्कुल व्हाइट हो गया और भी सूख जाएगा एक बार और फिर इसको और जितना थोड़ा सा कपड़े से मारेंगे और ज़्यादा व्हाइट हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी अगर आपकी गाड़ी की लाइट किसी भी गाड़ी की लाइट गीली पड़ जाती है धूप के कारण या पुरानी होने के कारण तो आप इस ढंग से इस तरीके से करोगे तो आपकी गाड़ी की लाइट एकदम नई जैसी चमाचम हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।